नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ओआरओपी के संदर्भ में पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से संशोधित चौथे नंबर का सर्कुलर यानी सर्कुलर नंबर 609 जारी कर दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्या खुशखबरी है पेंशन भोगियों के लिए ओआरओपी के संदर्भ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, डिफेंस फोर्स पर्सनल के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप यहां देख पा रहे हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन यानी पीसीडीए इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आप हैं। ये वन रैंक वन पेंशन के जो सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स यहाँ दिए गए हैं अभी तक जो जारी हुए हैं, पहले 555, 557, 566 और अब चौथा सर्कुलर नंबर 609 जारी कर दिया गया है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्कुलर नंबर 609 मिलेगा ओआरओपी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, पीसीडीए की तरफ से 26 अक्टूबर 2018 को ये सर्कुलर नंबर 609, ये सर्कुलर आपकी जो रिवाइज्ड ओआरओपी है उसके संदर्भ में जारी किया गया है। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से 17 अक्टूबर 2018 को जो एक लेटर जारी किया गया था 2016 से पूर्व के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन के संदर्भ में, उसी के परिणाम स्वरूप टेबल नंबर 5, 14, 23, 32, 41, 50, 63, 64, 74, 83 और 92 में जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन थी उसको मॉडिफाइड किया गया है। और जितने भी पेंशन भोगी इससे अफेक्टेड है इन टेबलों के अंदर उनकी रिवाइज टेबल जारी कर दी गई है और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2014 से, यानी कि जिनकी पेंशन इसमें इंक्रीज हुई है उनको 1 जुलाई 2014 से इसका बेनिफिट मिलेगा और उसका एरियर भी क्रेडिट होगा, तथा जिनकी पेंशन 30 जून 2014 को इस रिवाइज टेबल के हिसाब से ज्यादा थी उन पेंशन भोगियों की पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया है ताकि इन पेंशन भोगियों को कोई डिसएडवांटेज ना हो, इनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों टेबल नंबर 7 में जो ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का है जो क्वालिफाइंग सर्विस 13 ईयर कर चुका है उसका प्रोटेक्शन नहीं किया गया उसके लोअर रैंक के हवलदार के साथ में जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस भी 13 साल है, इसलिए अब उसके लिए जो टेबल में 8,078 रुपए थे उसको बढ़ाकर 8,136 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, इस संदर्भ में जब भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से लेटर आया था तो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, लेकिन अब ये पीसीडीए ने सर्कुलर नंबर 609 जारी करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और सभी संबंधित विभागों को इसकी कॉपी भी दे दी गई है ताकि कहीं किसी लेवल पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो संशोधन करने में। और ये 17 अक्टूबर 2018 का भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से वो लेटर है जो वन रैंक वन पेंशन फॉर डिफेंस पर्सनल के संदर्भ में जारी किया गया था। तो दोस्तों, टेबल इसके साथ अटैच है, आप पूरी टेबल इसको देख सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।